वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और आज है दिन फ्राइडे और अभी शाम के 4:45 हो चुके हैं और मैं अभी जाऊंगी छत पे क्योंकि आज मैंने कपड़े जो डाले हैं वो सारे छत पे डाले थे क्योंकि हवा तो बहुत ही तेज़ है ही साथ में धूप बहुत तेज़ है लेकिन ठंड भी उतने ही ज़ोरों शोरों पर है, मतलब कि ठंड का कहर यहाँ पर अभी पूरी तरह से है। और आज का दोपहर का लंच करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने इतना सिंपल सा लंच बनाया था लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आज लंच में पता है क्या था, दाल मिक्स दाल थी, ये चना नहीं अरहर मूंग और मसूर, तीन दालों को मैंने मिक्स करके सादी वाली दाल बनाई थी। बस उसमें हींग जीरे और सरसों का छौंका था, साथ में तेजपत्ता और चावल और साथ में आलू और कैप्सिकम की भुजिया और आंवले की तीखी तीखी वाली चटनी, आंवले और धनिया पत्ते की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाना। पतिदेव जी भी एकदम मन से खाए हैं और फिर चले गए वो ऑफिस फटाफट। और किचन भी अभी मैसे ही पड़ा है, किचन को भी मुझे क्लीन करना है, देख सकते हैं पूरा किचन अभी मैसे पड़ा है। बर्तन भी अभी सारे साफ कर रहे हैं लेकिन पहले जाऊंगी छत पे, वहां से कपड़े लाऊंगी फिर किचन को क्लीन करूंगी क्योंकि शाम में फिर जब खाना बनाना होगा तो इस तरह की किचन में तो खाना बना नहीं पाएंगे। तो और पहले ही बर्तन क्लीन कर लेती, किचन साफ कर लेती लेकिन मुझे वीडियो भी एडिट करके डालना था, वो नहीं हुआ था तो इसी वजह से चली गई वीडियो एडिट करने और अब फ्री हुई हूँ तो जाऊँ। बहुत ज़्यादा बातें मैंने कर ली आप लोगों से तो चलिए चलते हैं आप छत पर। बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं छत पे डाले थे लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही कपड़े हो गए थे और अभी भी धूप जो है वो तेज़ है लेकिन हवा भी है, देख सकते कपड़े सारे उड़ रहे हैं। और जब धूप निकली हुई रहती है तो उधर पीछे से सारे पहाड़ बहुत ही अच्छे दिखते हैं। बहुत ज़्यादा तेज है, मन किया कि थोड़ा वॉकिंग करूं लेकिन हवा के कारण आना पड़ा। 10 मिनट मैंने वॉकिंग की और फिर आ गई। तो सबसे पहला काम है किचन की सफाई, उसके बाद ही मुझे थोड़ा चैन मिलेगा। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन की साफ सफाई करने, हो जाएगा 10-15 मिनट में ही। और शाम भी अब होने वाली है तो सभी जगह की बत्तियाँ ऑन, सारे बर्तन यहाँ पे है, कुकर है साथ में, ये तो है, बस इसे अरेंज करके रखना। और देखिए इधर चावल थोड़ा सा रह गया है और ये आंवले की चटनी मैंने बनाई थी वो भी थोड़ी सी है। और ये रही आलू और कैप्सिकम की भुजिया। तो सभी को भी खाली करके बर्तन को और सारे बर्तनों को अभी खाली करके, और ये रहा दाल। किचन की क्लीनिंग हो गई और क्लीनिंग करते करते फ्रेंड से बात भी हो गई, उसका कॉल आ गया था और पतिदेव जी भी अब आ चुके हैं और मैं भी जैकेट पहन के तैयार हूँ और पतिदेव जी तो पहले से पहने हुए थे और मैंने जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा बाहर। तो चलिए चलते हैं बहुत दिनों के बाद फिर से बाहर क्योंकि ठंड में इतनी ज़्यादा हवा तेज चलती रहती है और पतिदेव जी भी ऑफिस से आते हैं तो फिर निकलने का मन नहीं होता, तो इसीलिए आज थोड़ा मन हुआ निकलने का। तो चलिए आप लोग भी, मेरा जूती ही पहन लो। कहाँ से? अच्छा लगता है।
अभी बज रहे थे, ये बज चुके हैं ना, और भीड़ भाड़ तो है ही। और अब शाम भी जो है वो थोड़ा सा लेट से ही होता है, लगभग अभी शाम हुई है, मतलब अब रात होने वाली है, शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। लेकिन रात की जो जगमगाहट है मार्केट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मजेदार दिखा रहेगा ना? हाँ दिखा रहेगा। प्याज भी हल्का सा बाहर मारेगा है ना? तो प्लेट आ चुका है और अब आएगा गोलगप्पा। पतिदेव की भी अपना ले लीजिए। अब रख लीजिए। नहीं रखेंगे कैसे, खाएंगे तब भी तो। खाइए और बताइए। एकदम चटपटा है, तीखा खट्टा नमकीन। मैं बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। अरे माँ तो वहाँ पेमेंट नहीं हुआ रे पापा। निकल चुके हैं और वहीं से फ्रूट्स की भी खरीदारी हो गई है और अच्छा लगा इतने दिन के बाद निकलने के। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। पूजा का टाइम तो मुझे अभी
पता नहीं है कि यहाँ पे किस फंक्शन के लिए इसे डेकोरेट किया गया, लेकिन पता करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। 6 बजे से? 6 बजे से पूजा ना? हाँ। तो किस चीज़ के लिए पूजा है? स्थापना है। तो हम लोग आ चुके हैं और ये फ्रूट्स है और मंदिर के भी दर्शन करके हम लोग आए हैं और कल है यहाँ पे पूजा, तो देखते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। कोशिश तो रहेगी, क्यों है ना। और गोलगप्पा भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिन के बाद खाए थे। मम्मी पापा जब आए थे तो उसी टाइम खाए थे, उसके बाद फिर तो 1 महीना हो गया। और दिखाती हूँ क्या क्या फ्रूट्स लेकर के आई हूँ अभी। तो देखिए, ये तो सबसे पहले ये इतना बड़ा अमरूद, कितना ग्राम था ये? ये 1/2 kg का अमरूद है एक। और ये इधर फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी, और साथ में ये है ग्रीन एप्पल। और ये रेड वाले एप्पल, और ठंड में उतना ज़्यादा फ्रूट नहीं हम लोग खा पाते, इस वजह से मैंने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लाए हैं, बस थोड़े थोड़े ही फ्रूट्स लाए हैं। और ख़ास करके मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं स्ट्रॉबेरी, और वो भी अभी फ्रेश फ्रेश आते हैं मार्केट में, तो इसी वजह से मैंने इसे ले लिया है। तो देखती हूँ, नहीं होगा तो फिर स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह बनाऊँगी। और 6 बजे हम लोग निकले थे और 7:15 हुए हैं, और 45 मिनट में हम लोग इतना सारा काम करके आ चुके हैं। और इतना ही निकल जाने से मूड जो है वो फ्रेश फ्रेश लगता है, तो बीच बीच में निकलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ठंड की वजह से नहीं जा रही थी। लेकिन आज मन किया नहीं, थोड़ा सा तो निकला ही जाए, तो वही हम लोग निकल गए। और पति देव जी भी आज समय से आ गए थे। और यहाँ पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट डे, तो यही प्रसाद था वहाँ पे जिस मंदिर में अभी हम लोग गए थे कुछ देर पहले। तो देख सकते हैं कि प्रसाद में क्या क्या है। 2 कचौरियाँ हैं, साथ में है सेव मिठाई, और ये है चने की घुगनी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।